students, you are watching the educational channel Munmun Bhakta tutorial, and I, your science teacher Munmun sir, has presented before you with the previous running chapter Science and its importance. In the previous classes, we have already discussed about what is science and what is the importance of science. In regarding to the topic importance of science, we have already discussed about the 6 points, and now today we will discuss about the 7th and the last point, and that is education. If you are a new student on this channel, you must watch the 3 videos, and if you like my videos, you must like it, share it and subscribe it, and please push the bell icon also. So dear students, now I come to the point, education. मैं आज के टॉपिक पॉइंट एजुकेशन पर आ रहा हूँ, और यह आपका 7वां और अंतिम पॉइंट है. आज आपका पिछले 3 दिनों से चल रहा है ये क्लास जो है समाप्त होगा, एक चैप्टर यानी कि समाप्त होगा. और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंत में, जैसा मैं पहले भी बोला था, आपको होमवर्क मिलने वाला है. और ये जो क्लास है वो कंबाइंड क्लास है, जो 6th से लेकर के 10th क्लास तक के सभी विद्यार्थियों को इससे लाभ मिलने वाला है. इसलिए आप मेरे पीछे के 3 वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे, और ये मेरा 4th वीडियो है. तो आइए हम शुरू करते हैं चर्चा एजुकेशन के ऊपर. प्यारे विद्यार्थी, हम बात शुरू करते हैं वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के समय से, जब वैदिक शिक्षा प्रणाली थी. उस जमाने में स्टूडेंट किस तरह से पढ़ा करते थे, शायद आपको मालूम होना चाहिए, आपने किताबों में पढ़ा भी होगा. क्योंकि तब आज के जितनी सुविधाएं नहीं थी, उस समय विद्यार्थी गुरु के आश्रम में जाते थे, और गुरु के आश्रम में वहाँ कई सालों तक समय व्यतीत करना होता था, वहीं उनको पढ़ना होता था, भिक्षाटन करके खुद खाना पड़ता था, गुरुजी को क्यों खिलाना पड़ता था, उनकी सेवा करनी होती थी, ये उनका फीस था. और लगभग 25 वर्ष की उम्र में गुरुजी के द्वारा सभी विद्याओं में पारंगत होकर के वे अपने गृहस्थ आश्रम को लौटते थे. तब के जमाने में गुरुजी सामने बैठते थे, बच्चे उनके सामने होते थे, और गुरुजी जितनी बातें करते थे, शास्त्र की बातें होती थी उस समय, और उसे बच्चे सुनते थे, और सुनकर उन्हें याद करना होता था. सोचिए तब विद्यार्थी बहुत तेज भी हुआ करते थे, लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि इतनी अधिक फैसिलिटी, इतनी अधिक सुविधाएं होने के बावजूद आप बच्चे बुरा नहीं मानेंगे, हम शिक्षक लाख प्रयास करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी आप ध्यान नहीं देने के कारण सभी बच्चे सक्सेस नहीं हो पाते. मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें. जैसे हम कुछ शिक्षक अभी भी प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण पूरे देश में जो लॉकडाउन चल रहा है, जो ये बंदी चल रही है, घरों से बाहर निकलना जो है बंद है, इस परिस्थिति में भी आपके पास पढ़ाई का मटेरियल पहुंचाया जाए और आपने अपनी पढ़ाई कर सके. तो इन सभी बातों को ध्यान देते हुए आप अपनी पढ़ाई पर
ध्यान लगाएं, जो बातें अभी वीडियो में आ रही हैं या और कई जगह से भी आप ज्ञान को संग्रह करें, इस परिस्थिति में आपकी यही बुद्धिमानी काम करेगी और इस तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट होगा, आपके लिए परीक्षा के लिए कोई चिंता नहीं करनी होगी। तो चलिए हम आते हैं कि वैदिक सिस्टम में गुरुजी के आश्रम में बच्चे जाते थे, वहाँ उनके सामने बैठ करके गुरुजी जो बोलते थे वो सिर्फ सुन करके ही याद करना पड़ता था, बाकी उनके पास कुछ लिखने के लिए सुविधाएं नहीं थी। अब आ जाते हैं आज के ज़माने में क्या है, आप विद्यार्थियों के पास पढ़ने के लिए कितनी फैसिलिटीज हैं, कितनी सुविधाएँ हैं वो ज़रा आप देखें। आज आपके पास लिखने के लिए पेन है, किसने दिया, विज्ञान ने दिया। जो बुक है आपके पास, हर एक एक विद्यार्थी के पास सभी सब्जेक्ट के बुक्स हैं। ये बुक कहाँ बनते हैं, कहाँ छपते हैं, मशीन में छपते हैं। उस मशीन का आविष्कार निर्माण किसके दिमाग से हुआ, विज्ञान के दिमाग से हुआ। तो पेन विज्ञान की देन हुई, जो आपके पास बुक पढ़ रहे हैं वो विज्ञान की देन है। नोटबुक, कई तरह के कच्चे मटेरियल को मिलाकर के और पेज बना दिया जाता है एक मशीन में। ये जो मशीन पेज का निर्माण करते हैं, विज्ञान का आविष्कार है। ऑलरेडी ठीक। उसके बाद चलिए, इतना ही नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए भी बहुत तरह की सुविधाओं को आज हासिल किए हुए हैं, और वे सुविधाएं हैं कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा। तो आप इस चीज को आप इंग्लिश में किस तरह से लिखेंगे, इन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन देयर वेर नो सो मैनी फैसिलिटीज इन एजुकेशन, बट टूडे वी हैव मैनी फैसिलिटीज, दैट इज ऑफलाइन फैसिलिटीज एंड ऑनलाइन फैसिलिटीज इन एजुकेशन एरिया। फॉर एग्जाम्पल, पेन, बुक, नोटबुक, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा, ऑल हैव बीन पॉसिबल बाय द एफर्ट ऑफ साइंस, एंड सो वी कैन से दैट एजुकेशन इज ऑल्सो ए कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंस। क्लियर? ठीक। इस प्रकार आज यह चैप्टर समाप्ति के कगार पर है, और जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैप्टर के अंत में मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, तो जल्द से जल्द उसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क, डिफाइन साइंस। एक चीज मैं बता दूं, मैंने आपको इस चारों वीडियोज में साइंस और इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस के बारे में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कहकर बताया है, तो जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के होंगे वो अपने हिंदी में जवाब लिखेंगे, और जो इंग्लिश मीडियम के होंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। तो क्वेश्चन को नोट, ये नहीं कि मैं अगर क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहा हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश में है तो उसका जवाब आपको इंग्लिश में ही लिखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम लिखते हैं, लेकिन जो इसमें से हिंदी वाले होंगे, हिंदी में समझा रहा हूँ, हिंदी में भी लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नोट किया जाए, डिफाइन साइंस, विज्ञान को परिभाषित करें। द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, विज्ञान का महत्व क्या है। द थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज साइंस रिलेटेड विथ आवर लाइफ, विज्ञान हमारे जीवन से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई शुड वी रीड साइंस, हमें विज्ञान क्यों पढ़ना चाहिए। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज साइंस ए बून और कर्स, क्या विज्ञान एक वरदान है या अभिशाप। तो मेरे विद्यार्थी, अगर आप मेरे चारों वीडियोज को देखे होंगे तो मुझे विश्वास है कि क्लास सिक्स से 10 तक के सभी विद्यार्थियों को निश्चित रूप से इसमें लाभ मिला होगा, और आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लेंगे। मैं फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होऊंगा, और कल मुझे एक दो फोन आए,
मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। कुछ विद्यार्थियों ने मुझे ये कहा कि सर आपका वीडियो जो बन रहा है अच्छा लग रहा है, लाइक भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक कभी क्या है कि जो चेहरा है वो कभी कट करके आ रहा है, वो गर्दन के ऊपर से कभी दिखता है या थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख पाता है। तो मैं आपको बताऊं, आपको ये समझना चाहिए कि किन परिस्थितियों में मैं आपके पास यह है टीचर जो पढ़ाई का मटेरियल है वो मैं पहुंचा रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आपको ऑनलाइन इस तरह से यूट्यूब पर आकर मुझे कभी आपको पढ़ाना पड़ेगा। स्थिति यह है विद्यार्थी कि मेरे पास न तो यूट्यूब पर अच्छी तरह से वीडियो बनाने का कोई एक्सपीरियंस है। मैंने तो सोचा था कि ऑडियो मैं व्हाट्सएप या किसी जरिए आपको भेजा करूं, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, आप समझ में नहीं पाते क्योंकि चेहरा एक सामने होना जरूरी होता है। तो अभी फिलहाल पोजीशन ये है कि लॉकडाउन की वजह से हम घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते। मैंने देखा कि काफ़ी दिनों तक स्कूल बंद चल रहा है, आगे भी बंद होने चलते रहने की ये बंदी की आशंकाएँ हैं। तो मैं सोचा कि मेरी बात किसी तरह से आपके पास पहुँचे, इसलिए मुझे ये चैनल बनाने का कोई शौक नहीं था और ना है भी। मैं बस ये चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में आपका पढ़ाई लॉकडाउन ना हो, इसलिए ये जो थोड़ी सी कमियाँ हैं वो तो दूर हो जाएंगी। आपको विशेष करके टॉपिक पर और जो कंटेंट्स हैं उस पर ध्यान देने की बात है। और फिलहाल स्थिति यह है कि ना तो मेरे पास कोई ब्लैक बोर्ड है अभी और ना ही उसके लिए चौक तो आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, सभी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। तो ये भी नहीं है मेरे पास ना कोई अभी अच्छा सा बड़ा क्लासरूम है। मैं जब आज से 25-30 साल पहले अपने गांव में जब कोचिंग चलाया करता था तो उसके लिए मैंने बड़ा सा क्लासरूम ही बना रखा था जिसमें 25 विद्यार्थी आराम से बैठ जाते थे, बड़ा सा बोर्ड भी था। लेकिन तो जब मैं छपरा रहने लगा तो वहाँ से ये घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, यानी कि अभी फिलहाल में वो भी नहीं है, मैं अभी फिलहाल अपने गाँव में ही बंद हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने सोचा, हम लोग जब एक टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे तो उसमें वर्कशॉप एक काम कराया जाता था और हम लोग को तब ये बताया जाता था कि कबाड़ से जुगाड़, मतलब वर्कशॉप में कुछ काम दिया जाता था और उसके लिए कहा जाता था कि आपको मार्केट से कोई चीज़ परचेज नहीं करना है, आप बिगड़े हुए चीज़ों को जो बेकार पड़े हुए हैं जो फालतू चीज़ हैं उसे को यूजफुल बना लेना है और इस पर आप दिमाग लगाइए। मैंने सोचा कि ब्लैक बोर्ड मुझे कहाँ से आए, मैं आपको ब्लैक बोर्ड दिखाऊंगा अपना तो आपको हंसी आएगी। आइए दिखलाते हैं, ये मेरा ब्लैक बोर्ड है, अगर मैं इसको पलटूंगा देख लीजिए क्या है। ये हमारे भगवान जी हैं, श्री कृष्ण भगवान जी हैं। और मेरे पास आप सोच रहे कोई पेपर वाला भी एक बोर्ड आता है वो होगा, तो मैंने इसको ब्लैक बोर्ड बना दिया। इस पर मैं लिख नहीं सकता इसलिए मुझे पेज पर पहले से कुछ मटेरियल लिखना पड़ता है और स्क्रीन पर आपको दिखाना पड़ता है कि आप इसको देख लें, टॉपिक को नोट कर लें और तब मैं जब बोलूं उसको आप आसानी से समझ सकेंगे। जो वीडियोज हैं उसके लिए मुझे ना तो कोई अच्छा सा कैमरा वाला एंड्रॉयड फ़ोन है और ना ही उसका कोई आइडियाज है कि किस तरह से वीडियोग्राफी की जाती है तो अच्छा आएगा। तो मैं कहता हूँ अगर ये सब प्रॉब्लम है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है मेरे विद्यार्थी, इसलिए चेहरे पर ज़्यादा ध्यान नहीं, जो कॉन्टेंट्स है जो मैटर है वो आपके पास पहुंच जाए, मुझे इसी से खुशी मिलेगी। और अगर आप लोगों ने इस चैनल को बेहद पसंद किया और मुझे पता तब चलेगा जब आप अधिक से अधिक इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, तब तो मैं ये समझ लूँगा कि मेरे